रणबीर कपूर दे दिए, इसका मतलब ये बता रहे रणबीर कपूर के ड्राइवर नहीं देगा कि तुम। तो मेरी फिजिक कुछ इस तरीके से हो गई थी। 15 रुपए का एक स्कूट पड़ेगा आपको डेली। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ डेली व्लॉग। तो जब मैं ट्रिप से वापस लौटा था तो मेरी फिजिक कुछ इस तरीके से हो गई थी, क्योंकि जिसका मेन रीज़न है वहाँ पे जो हमने खाया है वो अच्छे से नहीं खाया, बस जो खाया भी वो थोड़ा फ्राइड चीज़ें खा ली और थोड़ा सा डाइट मेंटेन नहीं रह पाया अपना आप। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकता है, बट उसको थोड़ा सा रूटीन में लाने में 1-2 दिन टाइम लगेगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ खुद को यहाँ से और जहाँ तक मैं पहले था, उसके बाद मैं थोड़ी सी और उसके बाद प्रोग्रेस स्टार्ट करूँगा। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में वो चीज़ हो जाएगी। तो टुडे इज़ डे 1 और अभी हम पार्क में वॉक कर रहे हैं। ट्रिप के बारे में मैं सोच रहा था कि ट्रिप ने हमें क्या क्या सिखाया, तो मेरे लाइफ में तो मुझे उसने थोड़ी क्लैरिटी दे दी है कि मुझे क्या करना है और कैसे थोड़ी चीज़ें मैनेज कर दी हैं, क्योंकि थोड़ा ट्रिप के पहले चीज़ें रूटीनलेस चल रही थी मेरी, अब थोड़ी सी ट्रैक पर आई है तो मज़ा आ रहा है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने उस ट्रिप पे सबसे ज़्यादा क्या मिस किया तो वो है ओट्स। क्योंकि ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं अपने डाइट में 2020 के टाइम से खा रहा हूँ, जब मैं फिटनेस स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक मैं खा रहा हूँ, डेली खाता हूँ, कभी कभार एक आध दिन मिस हो जाता है, बट मैं मोस्टली खाता ही हूँ। अब वो चीज़ वहाँ नहीं मिल रही थी, सबसे ज़्यादा मिस मैं उसे कर रहा था, क्योंकि उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है और हेल्दी का हेल्दी भी रहता है। एंड आज ओट्स के साथ है 1 स्कूप वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन मैं 2 स्कूप आज लूँगा क्योंकि मेरी मजबूरी है ये, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे को मैं चिकन नॉन वेज एग वगैरह नहीं खाता हूँ, वेज डाइट फॉलो करता हूँ पूरी। तो उस दिन होता है कि आज थर्सडे जैसे, तो उस दिन होता क्या कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरी प्रोटीन गोल सोया और राजमा से पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, उसका मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं 2 स्कूप वे प्रोटीन ले लेता हूँ और फिर 100 ग्राम सोया, 100 ग्राम राजमा, पनीर, ये सब चीज़ों से कम्प्लीट फुल हो जाता है। लखनऊ का मौसम कुछ ऐसा हुआ है कि दिन भर मन करा सिर्फ सोए रहो, लेकिन सोने से काम नहीं चलने वाला। कुछ नया बट बहुत अच्छी, और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, अभी अपने को जिम निकलना है बट बारिश रुकेगी तब तो निकलेंगे, और उससे पहले प्री वर्कआउट के लिए अपना रेडी रहते हैं, बारिश रुकेगी निकल लेंगे जिम। वैसे तो मैं पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड लेता था, बट आजकल मैंने स्टार्ट कर दिया सत्तू लेना। सत्तू में 100 ग्राम के आसपास ही चने का सत्तू है, आप चाहो तो चना लेके आधा किलो भिजवा के और ऐसे पाउडर फॉर्म में रख सकते हो, बट मैं ऐसे लेके आया था। तो 100 ग्राम के आसपास अपन लेंगे, सत्तू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर प्री वर्कआउट नीड, बिकॉज मैं नमक भी ऐड करूँगा जो कि मेरे पंप में काम आएगा, और कार्ब्स अ गुड सोर्स है, और 100 ग्राम सत्तू में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन, कार्ब्स और पंप के लिए मुझे प्री वर्कआउट में सच्चा ऑप्शन नहीं दिखता है। सत्तू एक ऐसी चीज़ है आप इसको आराम से कभी भी कैरी भी कर सकते हो कहीं भी, और एक तरह का ये होम मेड आपका प्रोटीन शेक कह सकते हो उसको आप, क्योंकि आप 100 ग्राम सत्तू में 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, फिर कार्ब्स मिल रहा है, उससे अच्छा होम मेड चीज़ हो सकती है। तो आई थिंक 1/2 किलो की चने लो और उसको मिक्स करा के पाउडर फॉर्म में कर लो, फिर डब्बे में पैक कर लो, मुझे लगता है 15 रुपये का 1 स्कूप पड़ेगा आपको डेली, मुझे 15 रुपये में 22 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, और इज़ ए गुड ऑप्शन। प्री वर्कआउट में ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एंड बजट फ्रेंडली। छोड़ दो ले चल के, लेकिन छोड़ दो। विचित्र प्राणी गंजी में दिन भर घूमते रहते हैं रोड पे। सो गया जिम, दोनों किससे हमें पहले जुड़े हुए, हम लोग को पता होगा कि मैं लेग पुश पुल या पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ हमेशा से, जैसे जो भी मेरे पास मैंने मसल गेन किया था वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी को पाई थी, बट अभी मैंने क्या किया है कि पुश डेज पे चेस्ट और ट्राइसेप्स से सिर्फ ट्रेन करना स्टार्ट किया, क्योंकि होता क्या है कि पुशेस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाती थी और रिकवरी हो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने क्या किया है कि शोल्डर्स को लेग्स के साथ शिफ्ट कर दिया है। तो मंडे को मैं कर रहा हूँ चेस्ट और ट्राइसेप्स पर बैक एंड बाइसेप्स एंड देन लेग एंड शोल्डर, और फिर रिपीट होती है वो, लेट्स डू दिस टुडे शोल्डर और लेग।
एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, अब खुद का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा गाना दिया। शिक्षक से पहले थग्स देखा, टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा, 29 साल का मैं पर लगता मैंने सब देखा, रिश्तों में प्यार से ज्यादा शक देखा, अशोहरत के लिए ज्यादा मेहनत थोड़ा लक देखा, सकल रखता टाइट और मैं सकल जितना फक देता, नशा अपन करते इसलिए नशे में ना रख देता, ना ना जिंदगी तमाशा है, 269 को भी आता है अपना मिशनरी शॉट, सब कुछ सामने से जाता है, बैंक मेरे घर का खुद का मेरा खाता है, लाइसेंस पे एल्बम क्योंकि मैथ्स मुझे आता है, डॉलर जब इन्वॉल्व तब सेंस समझ आता है, जब बिल्स और पैशन दोनों साथ में नहीं जाता है, जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन नहीं सिखाता है, इंडिपेंडेंट मैं नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट मैं, इंडिपेंडेंट मैं हूँ हर स्ट्रीट के पेमेंट पे, इनके बाप के पेमेंट से आए लेन मैन के साथ, नजरे तो मिलाना कभी रियल मैन के साथ, मैं करते रहूंगा ग्राइंड जब तक छह मैन दे हाथ, सब कुछ अपन रेस करते और टूटा तारा दिखे तो अभी भी हम विश करते, ज्ञान लिया नानी से हाँ अभी भी हम मिस करते, आसमां को देखकर अभी भी हम किस करते, कलम मेरा हिंदू मुस्लिम को मिलाता है, हिंदी में वर्स मेरा पंजाब को हिलाता है। वर्कआउट कंप्लीट, सच बता दूं वर्कआउट को जितनी अच्छी आज खास हुई है, क्योंकि वेदर जो है थोड़ा ठंडा है, अंदर एसी चल रही है, बॉडी उतनी हीट हो नहीं पाई, अच्छे से पंप आए, और थोड़ा मैंने सब कुछ जो काम करना लेट लिया था और जिम जल्दी आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा पंप अच्छा आया ना, बट कोई नहीं, नॉट एवरी डे इज़ अ गुड डे। तो बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। एनीवेज, तो अभी यहाँ पे 3 रोटी है मेरे पास और 150 ग्राम पनीर है, थोड़ी बहुत पत्ता गोभी की सब्ज़ी और मेयोनीज़ है। अब मैं चाहता तो उसको कुक कर सकता था, बट अब आदत हो गई है और कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा, अब फिर प्लस एक्सेस ऑयल लो फिर उसमें कैलरी ज़्यादा चाहिए ज़्यादा। ओके, सो ये रहेगा हमारा अभी का लास्ट मील ऑफ द डे, और इसके बाद भी कुछ प्लान्स हैं तो फिलहाल खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो आप प्रतीक को बैठाना, सब थोड़ा डंटा मारेगा पुलिस तो सह लेगा। टाइम हो ही गया लगभग भाई। सो अभी हमारे ब्रह्मास्त्र देखने के लिए बहुत ही सस्ती टिकट मिल गई थी हम लोगों को, मार दिए हम लोग। रणबीर कपूर के ड्राइवर नहीं देखा कि तुम चुपचाप वो हिस्सा मुझे दे दो, वो शिकार ही क्या जिसमें थोड़ा शोर ना हो। मूवी खत्म हो चुकी है, अभी अपन चलते हैं घर। मूवी अच्छी थी वाकई, काफ़ी थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट बनाई है इस बार मूवी सबने, मूवी वाकई अच्छी थी। तो अभी फिलहाल रात के 2 बज रहे हैं और हम निकलते हैं घर, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।